हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस। इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द थोरैक्स इज इनलार्ज्ड बाय। इंस्पायरेशन में दो तरह की मूवमेंट होती है, रिब मूवमेंट्स और डायफ्रामेटिक मूवमेंट्स। रिब मूवमेंट जो होती है, मूवमेंट ऑफ द रिब्स आउटवर्ड्स एंड अपवर्ड्स होती है। आउटवर्ड्स और अपवर्ड्स की मूवमेंट होती है रिब मूवमेंट में। रिब मूवमेंट में तीन तरह की मूवमेंट होती है। फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स, फर्स्ट पेयर रिब्स टू इंक्रीज इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ अपर थोरैक्स। अपर थोरैक्स में जो इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है वो इंक्रीज होता है। दूसरा है सेकेंड से सिक्स रिब्स, सेकेंड से सिक्स रिब्स में टू इंक्रीज इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द चेस्ट। चेस्ट का इंटीरियर और पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज होता है और लैंड इंक्रीज इन द स्लाइटली ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द थोरैक्स। थोरैक्स का स्लाइटली ट्रांसवर्स डायमीटर इंक्रीज होता है। तीसरा सेवन से टेंथ रिप्स, सेवन से टेंथ रिप्स जो लोअर रिप्स, लोअर रिप्स में नीचे टू इंक्रीज इन द ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द थोरैक्स। थोरैक्स में ट्रांसवर्स डायमीटर इंक्रीज होता है। दूसरा है डायफ्रैगमेटिक मूवमेंट्स, डायफ्रैगमेटिक मूवमेंट। डायफ्राम कंसिस्ट ऑफ मसल फाइबर, डायफ्राम मसल फाइबर से बना होता है, विच कन्वर्ज ऑन द डोम शेप, और डोम शेप का होता है सेंट्रल टेंडेनियस पोर्शन। मसल फाइबर से राइज फ्रॉम द पहला सीफियर स्टर्नम, इनर सरफेस ऑफ लोअर सिक्स रिब्स एंड तीसरा लंबर वर्टिब्रा। टू इंक्रीज इन द वर्टिकल डायमीटर ऑफ द थोरैसिक केज, थोरैसिक केज का जो वर्टिकल डायमीटर है, ये वर्टिकल है ये हॉरिजॉन्टल है, तो वर्टिकल डायमीटर इंक्रीज होता है। इसकी नर्व सप्लाई है फ्रेनिक नर्व जो C2, C3, C4, जिसको सर्वाइकल नर्व भी बोलते हैं। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट डाउनवर्ड्स, जब डायफ्राम डाउनवर्ड्स कॉन्ट्रैक्शन करता है तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है। अब पढ़ेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन। इन क्विट ब्रीथिंग इंस्पायरेशन इज ए पैसिव प्रोसेस बट ड्यूरिंग फर्स्ट एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन एक पैसिव प्रोसेस है लेकिन फर्स्ट एक्सपायरेशन है। जैसे हम कोई काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, फोर्स लगाते हैं, वो उसको हम एक्सपायरेशन बोलते हैं। इसमें तीन तरह की मूवमेंट होती है, इंटीरियर एब्डोमिनल वाल मसल, इंटरकोस्टल मसल और एक होती है एक्सटर्नल कोस्टल मसल। पहला पढ़ेंगे कॉन्ट्रेक्शन ऑफ इंटीरियर एब्डोमिनल वाल मसल। जब इंटीरियर एब्डोमिनल वाल मसल का कॉन्ट्रेक्शन होता है तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है और लोअर रिब्स में डाउनवर्ड्स और मीडियली पुश, जो लोअर रिब्स होते हैं वो डाउनवर्ड्स और मीडियली होते हैं और पुश दिस डायफ्राम अपवर्ड्स। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रेक्शन, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है। दे पास ऑब्लिकली डाउनवर्ड्स एंड पोस्टरली फ्रॉम रिब टू रिब। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल में ओब्लिकली डाउनवर्ड्स होते हैं और पोस्टरली फ्रॉम रिब टू रिब होते हैं। एक्सटर्नल कोस्टल मसल, एक्सटर्नल कोस्टल मसल प्राइमरी पोजीशन ऑफ इंस्पायरेशन। एक्सटर्नल कोस्टल मसल में जो प्राइमरी पोजीशन इंस्पायरेशन का होता है वही होता है, फिर हम वापस से इंस्पायरेशन करने लगते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आगे हम पढ़ेंगे लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। तब तक के लिए बाय बाय।